वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बनाया था ये बैकग्राउंड, और जिसने ये बैकग्राउंड नहीं देखा तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके देख लें। और आज की वीडियो में हम इस पर कैलीग्राफी करने लगे हैं। तो कैलीग्राफी करने से पहले मैंने थोड़ा सा चौक से लिख लिया है ताकि बाद में गलती ना हो मेरी। तो अब हम शुरू करने लगे हैं। उसके लिए मैं यूज़ करने लगी हूँ एंगल ब्रश। ये मैं एंगल ब्रश यूज़ करूँगी इसके लिए। ये देखें, इस पर लिखूंगी मैं गोल्डन कलर से, और गोल्डन कलर ये है एक्रेलिक गोल्ड। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी गोल्डन डस्ट। तो ये रही मेरे पास गोल्डन डस्ट। ये गोल्डन डस्ट मैं इस एक्रेलिक कलर में डालूंगी और एक कलर बनाऊंगी, उससे मैं लिखूंगी। अब मैं पहले कलर बना लूँ। तो ये मेरा कलर बन चुका है, ये देखें। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने जिस वर्ड को लिखना है ना, हम उस वर्ड को, मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, अल्लाह से स्टार्ट करूँगी, ठीक है? तो अब मैंने कोई भी सॉफ्ट सा ब्रश ले लेना है और इतने हिस्से को ज़रा लाइट कर लेना है चौक से ना, ऐसे, ताकि हमारा जो कलर है ना उसमें ये चौक से ख़राब ना हो। यूँ देखें, हमने आराम आराम से, जब बाकी जो है ना, ये जब हम बाद में मैं आपको लास्ट पे एक टेक्निक बताऊंगी कि ये जो थोड़ा थोड़ा चौकी चौकी है ना, ये भी नहीं रहेगा आपका। ये हमने इसको रिमूव कर लिया। ओके, अब हम इस पे लिखना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी इसको हम जब नीट करेंगे तो हम वो उसके लिए छोटा ब्रश यूज़ करेंगे। और अभी हम फ़िलहाल इसको लिखेंगे बाकी सारा भी।
मेरा फर्स्ट कोट हो चुका है, अब मैं इसको थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो इसके बाद सेकंड कोट करती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये सेकंड कोट भी हो चुका है, अब जो रह गया है वो है ये अराब। और अराब लगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये छोटे साइज़ का फ्लैट ब्रश। फोकस 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 फोकस, ये छोटे साइज़ का फ्लैट ब्रश है। अब मैं यूज़ करूँगी ये ज़ीरो साइज़ ब्रश। अरेज़ करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। जब ये ड्राई हो जाए अच्छी तरह से तो आपने करना जैसे ये चौक लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम इसको ब्रश के साथ साफ़ करते हैं तो यूँ देखें, ये वाइट वाइट रहता है। हमने ब्रश को दोबारा साफ़ करके कपड़े के साथ ये किया, अभी भी वाइट वाइट है। तो हमने क्या करना है, एक रेज़र लेना है, ये देखें, और अपने सही वाले कलर में आ गया ना ये। अब मैं बाकी भी रेज़र के साथ ये जितना भी वाइट एरिया है इसको रेज़ कर लूँगी जब ये ड्राई होगा। अभी ये मेरा सारा गीला है इसलिए मैंने अभी करी, तो ये ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको रेज़ करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ कि जैसे कि ये लाइन है, मैंने ब्रश के ऊपर ब्लैक कलर लगाया और इस तरह लगा के फिंगर के साथ इसको यूं ब्लेंड कर लिया। तो ये रहा हमारी पेंटिंग का फाइनल लुक। कमेंट्स में लाजमी बताएं आपको कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए ये भी बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।